Assalamualaikum and welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? आपके बहन भी बिल्कुल फिट फाट है जी। आज के ब्लॉग में आप देखेंगे शादियाँ। हाँ जी, बिल्कुल शादियाँ, क्योंकि हम लोगों की फैमिली में तीन दिन शादियाँ इकट्ठी आ गई थी। एक दिन एक, दूसरे दिन दूसरे, तीसरे दिन तीसरी, यूँ आ गई थी। फिर अभी तो पापा और भाई जा रहे थे एक शादी पे अपने गाँव, और मैं और मम्मा जा रहे थे दूसरी शादी पे, क्योंकि एक दिन में दो शादियाँ आ गई थी। फिर आपकी बहन हुई रेडी और अपनी बहन के आगे जाके हाथ पिलाए, यार अपने कपड़े दे दो। आप लोग भी यकीनन ऐसा करते हो कि अपने बहन के कपड़े तो लाजमी पहनते होंगे। फिर मैंने भी उससे कपड़े लिए और शादी इजाज़ मैरिज हॉल में थी तो हम लोग उधर चले गए। वहाँ पे मम्मा को तो सब जानते थे लेकिन मुझे कोई नहीं जानता था, क्योंकि मतलब जानते थे लेकिन मेरी एज का कोई नहीं था कि मेरे साथ आके बातें करें। हम लोगों के टेबल पे सामने क्यूट सा बेबी बैठा था जो ऐसे तंग कर रहा था। फिर हमने खाना खाया, मैंने अपनी प्लेट रेडी कर ली, खाना मज़े का था। हमने खाना खाने के बाद हम लोग वापस आ गए। हम लोग अपनी गाड़ी लेकर नहीं गए थे इसलिए हम लोग वेट कर रहे थे गाड़ी का, और हम लोगों को मिल गई सुजुकी। और मैं इतनी छोटी सी, तो तब मैं सुजुकी में बैठी थी और फिर मैं उस दिन सुजुकी में बैठी। खैर सफ़र करके मज़ा आया। फिर अगले दिन का आगाज़ हो गया। फिर हम लोगों ने जाने थे दूसरी शादी पे, या ये भी पापा की फैमिली में शादी थी। और एक मज़े की बात बताऊँ कि आज भी मैंने कपड़े अपनी बहन के पहने थे। अपने भी कपड़े हैं, ये बात नहीं है कि मेरे नहीं, लेकिन अपने पहन पहन के मैं थोड़ी बोर हो गई थी। मैंने कहा चलो आप इसके ट्राई करते हैं। हम लोग जहाँ पे जा रहे थे वहाँ पे बहुत मज़े की जगह है वहाँ पे, लेकिन इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, लेकिन अब निकल आए थे तो जाना तो था। फिर हम लोग एक घर में जाके रुके, वहाँ पे हम लोगों ने मिठाई और पेप्सी पी। फिर हम लोग चले गए, इतना गंदा रास्ता था वहाँ पे, इतने ज्यादा पत्थर थे, लेकिन फिर भी हम लोग वहाँ पे गए क्योंकि हमने जाना था। समझ रहे हो ना? हम लोग गए और हम लोग को वहाँ पे भी बहुत मजा आया। फिर घर में थोड़ी देर बैठे, फिर वहाँ से वापस निकल आए क्योंकि हम लोगों ने जाना था जिस घर में शादी थी उधर, और हम लोग वहाँ पे गए थे जहाँ पे शादी हो चुकी थी एक दिन पहले। वहाँ का व्यू इतना प्यारा था, ये साथ साथ में आपको वहाँ का व्यू दिखा रही थी। फिर हम लोगों को कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी और हम लोग वहाँ पे बैठ के, हमने कहा चलो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत तेज धूप थी और गर्मी बहुत ज्यादा थी और हम बस इतने ज्यादा थे कि ना पूछे। फिर हम लोग थोड़ी देर वहाँ पे वेट करने के बाद हम लोगों को मिल गई फिर से सुजुकी। हम लोगों ने फिर से सुजुकी का सफ़र किया, लेकिन मैं आप लोगों को कहूँगी कि वहाँ पे सुजुकी और रिक्शे का सफ़र ना करें। वहाँ पे इतने गंदे रास्ते, इतने गंदे मोड़ थे ना, इतना डर लगता था ना। ये मैं आपको वहाँ पे स्कूल दिखा रही थी, बच्चे इतनी मुश्किल का सामना करने के बाद स्कूल में तालीम हासिल करने आते हैं। और फिर देखे इतने मज़े के पहाड़ नज़र आते हैं। फिर हम लोग उतर गए क्योंकि गाड़ी ज़्यादा नीचे नहीं जाती थी। फिर हम लोग ने यहाँ से चल के जाना था, फिर हम लोग चल के गए। ये वहाँ पे सबके घर थे जहाँ पे हमने जाना था, लेकिन हमने इधर नहीं जाना था, हमने इधर से भी ज्यादा नीचे जाना था क्योंकि शादी उस घर में थी, इन घरों में शादी नहीं थी। फिर हम लोग उधर गए और गर्मी में इतनी मत मारी गई थी और ऊपर से इतनी प्यास लग रही थी, और गाँव था और वहाँ पे शादी थी और ठंडा पानी नहीं था, क्योंकि अब जितनी शादी वाले घर में जितनी भी ज्यादा बर्फ होना पर पूरी नहीं होती, और इतना ज़्यादा पसीना, और मुझे तो सर में इतना दर्द था क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया था, मेरा प्लान नहीं था जाने का। मम्मा ने सुबह सुबह कहा कि चलो मैं जा रही हूँ, मैं अकेली हूँ, साथ चलो। फिर मैंने कहा चलें मैं भी चल लेती हूँ। फिर मैंने नाश्ता नहीं किया और मैं इसी तरह गई और मुझे सर में इतना दर्द था। फिर वहाँ से एक घर में रुके, मैंने वहाँ से पैनाडोल की गोली ली और फिर मैं आगे गई। ये अब दूल्हे का वेलकम करने के लिए खड़े थे सब, और इतनी गर्मी थी वहाँ पर, लाइट भी नहीं थी ऊपर और हम लोग पंखे झोल रहे थे। फिर खाने के लिए बुलाया, खाना बड़े मज़े का था। वहाँ पे खाने वाली जगह पे पंखे लगे हुए थे, वापस आए तो हमें एक कमरे में मिल गया पंखा और हम लोग उधर ही बैठ गए। फिर मेरे कज़न ने दुरुन्ने तोड़ के लाए। फिर हम लोग वापस जा, अब हम लोग वापस आ रहे थे घर की तरफ। मोटेसोल वाले जूते थे तो मुझसे चलाने जा रहा था, तो मैंने हाथ में उठा लिया और पत्थर के ऊपर मैं चल के आई। खैर पत्थर गर्म नहीं थे क्योंकि वहाँ पे उस रोड पे ना धूप नहीं लग रही थी, इसलिए पत्थर ठंडे थे और चलते हुए मज़ा आ रहा था। हम लोग स्टॉप तक चल के आए और वहाँ पे आके मैंने थोड़ी सी वीडियोज और पिक्चर्स बनाई। मैं बंद रह गया हूँ तेरा हुस्न देख कर, आँखों की मस्तियाँ तेरे चेहरे को देख कर, ये वीडियो देख ले, इतने मजे की बनी। फिर हम लोग वेट कर रहे थे।
में कोई बस शस आ जाए तो हम लोग उस पर जाए, और हम लोगों को मिल गई थी एक बस, आगे कुछ नहीं बोलना। हमारी साइड पे भी विंडो थी, लेकिन फिर भी वहाँ पे ना यू पहाड़ तो दूसरी साइड पे मजे का व्यू आ रहा था। मैंने कहा चलो यहाँ से जूम करके आपको दिखा दो, और ये बसों के शेर। फिर हम लोग घर आ गए और मैंने चेंज किए कपड़े और फिर हमने खाई बिरयानी। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और अगले व्लॉग के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, और थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। अल्लाह हाफिज़।